कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबी अवधि का वीजा मांगने वाले उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है जो ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को यह देश वीजा देने से मना कर सकते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन देशों के दूतावास पुलिस से पहले केवल आपराधिक मामलों में संलिप्त लोगों की जानकारी मांगते थे, लेकिन अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की जानकारी भी मांगने लगे हैं। रेड लाइट जंप करने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों का डाटा अलग से तैयार किया जाएगा। वहीं पुलिस मुलाजिमों के साथ बस सलूकी करने वालों का डाटा भी दूतावास को भेजा जाएगा। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल का कहना है कि इसमें ट्रैफिक वायलेटर्स में जो होता है वायलेशन जो करते हैं, इसमें कई बार आजकल एम्बेसीज पूछने लगी हैं पुलिस से कि आर्मी ने परमानेंट वीज़े के लिए जो अप्लाई किया है, इसके खिलाफ कोई ट्रैफिक वायलेशन की शिकायत या कोई चलान तो नहीं पेंडिंग है। तो उसमें क्योंकि अब हमारा डाटाबेस डिजिटल हो गया है, तो हम लोग सर्च करके एम्बेसी को बता देते हैं कि इसके इसने ट्रैफिक कितने ये इसके पास इसके ट्रैफिक के ऑफेंसेस इसके ऊपर लगे हुए हैं। पासपोर्ट में तो नहीं दिक्कत आती, कई बार एम्बेसी जब वीज़ा एप्लीकेशन डिसाइड करती हैं तो उसमें उसका जो बिहेवियर है उसमें उसकी वीज़ा एप्लीकेशन में फ़र्क पड़ सकता है, दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई एम्बेसीज चाहती हैं कि जो भी लोग आए वो रूल्स फॉलो करने वाले ही लोग वहाँ पे वीज़ा लेके जाएं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है।